हेलो गेमर्स, माय नेम इज वैभव। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम फिर से एक बार करने वाले माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। एंड इन द लास्ट एपिसोड में भी हम लोगों ने हमारे परी के लिए, जो कि एक बी है, उसके लिए घर बनाया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एंड आज हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले आज तो मुझे एक नेदर पोर्टल बना के अपना एक खुद का नेदर बनाना है, और अपना खुद का प्राइवेट नेदर मैं इस तरह बनाऊंगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले एक नेदर पोर्टल बना के नेदर में जाना पड़ेगा, और नेदर में जाने के बाद वहां से बहुत सारे रिसोर्सेस को कलेक्ट करके यहां पर मुझे अपना एक प्राइवेट नेदर बनाना है। सबसे पहले अपने पेट्स को थोड़ी सी रिस्पेक्ट पे करते हैं। यहाँ पर हमारी डॉली थी और यहाँ पर हमारा लंबू था। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। एंड गाइस, और एक चीज, जब मैं यहाँ पर ऑफलाइन माइनिंग कर रहा था तो मेरे पास एक स्केलेटन घोड़ा आ चुका है। आई डोंट नो इसके ऊपर कैसे राइड करते हैं, बट ये दिखने में बहुत ज़्यादा फैंसी लग रहा है। देखो, स्केलेटन हॉर्स, पता नहीं यार, अगर आपको बताओ ना तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी तो मेरे को कोई आइडिया नहीं कि ये एक्चुअल में क्या खाता है और इसको कैसे टेम करना चाहिए। बट एनीवेज, अभी सबसे पहले अपने मैं घर के अंदर चलता हूँ। एंड मेरे को गाइस फाइनली ऑब्सिडियंस मिल चुके हैं, तो अभी मैं अपना एक खुद का प्राइवेट नेदर पोर्टल बना सकता हूँ। ये रहे ऑब्सिडियंस, तो ऑब्सिडियंस मैंने यहाँ से ले लिया। एंड आज मुझे बहुत सारी नेदर की चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। सो नेदर वाला चेस्ट, ये रहा नेदर वाला चेस्ट, और मेरे पास काफ़ी सारा नेदर रैक पड़ा है, ब्लैक भी है, मतलब सारी के सारी नेदर की चीजें जिनकी मेरे को आज जरूरत पड़ने वाली है अपना प्राइवेट नेदर बनाने के लिए। तो मैं सारा का सारा नेदर का सामान यहां से ले लेता हूं, ब्लैकस्टोन वगैरह, सोल सैंड। या गिव मी सम फूड बॉयज, गिव मी सम फूड, मुझे थोड़े से खाने की जरूरत है। मारो ओरियो, उसको मार, कम ऑन ओरियो। 17 रॉ बीफ डाल दो, इससे मेरे को थोड़ा सा खाना मिल जाएगा। एंड इतना ही है कि मेरे पास भाई लकड़ी काफी सारी, तो काम करता हूं। या इसके अंदर थोड़ी सी लकड़ी चाहिएगी। एंड गाइस, मुझे आप लोगों ने बोला है कि मैं लावा बकेट की मदद से भी ना इन ब्लॉक्स को पिघला सकता हूँ मैं, मतलब इसमें अनलिमिटेड सोर्स होता है। तो एक सेकंड, ए भाई सारा लावा चला गया उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू मेक सम फ्लिंट एंड स्टील। उसके लिए थोड़ा सा फ्लिंट चाहिए, जो कि मेरे पास मे बी प्रोबेबली नहीं होगा। मेरे पास ग्रेवल है, तो मैं ग्रेवल से थोड़ा सा फ्लिंट निकाल सकता हूँ। एंड थोड़ा सा एक आयरन इंगट चाहिए, तो जल्दी से मैं इस ग्रेवल से फ्लिंट बना देता हूँ, ताकि भाई मैं एक नेदर पोर्टल बना के नेदर के अंदर जा सको। फ्लिंट मिल जा भाई, ओ मिल गया फ्लिंट, गाइस फ्लिंट मिल गया। और अभी इसकी मदद से अभी अपोन एक फ्लिंट एंड स्टील बना के नेदर में जा सकता है। तो ये रहा यहाँ पे आयरन, एंड ये रहा फ्लिंट एंड स्टील। एंड अभी जल्दी से नेदर पोर्टल बनाते हैं। लेकिन नेदर पोर्टल मैं इस तरह बनाने वाला हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे ये तोड़ना पड़ेगा ऐसे, एंड मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा नेदर वाले ब्रिक्स का। या नहीं, ब्रिक्स वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँ, नेदर नहीं, मैग्मा ब्लॉक नहीं भाई, मैग्मा ब्लॉक से भाई लगता है पैरों पे। मे भी मुझे यहाँ पर रेड वाली नेदर ब्रिक्स यूज़ करनी चाहिए इस तरफ जाने के लिए। हाँ, तो नेदर वाला बायोम यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पर हम रेड ब्रिक्स यूज़ करेंगे। अरे यार, दो दो नहीं लगानी है, या दो मतलब ऊपर नहीं लगानी है, नीचे तो लगानी ही है। तो इस तरीके से मैं इसको ज़्यादा दूर लेके ना, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको दूर ही बनाऊंगा, नहीं तो भाई क्या पता चले कि यहाँ पे क्रीपर्स वगैरह स्पॉन हो जाए, मेरे को ही उड़ा दे। सो या इतना दूर आई थिंक इनफ है, या इतना इनफ है। और अभी जल्दी से मैं इसको तोड़ देता हूँ। एंड भाई, मुझे बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मरना बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो बेस होगा वो मुझे मे बी नेदर रैक से बनाना चाहिए, क्योंकि नेदर रैक ही होता है पूरी तरीके से नेदर में। तो हाँ, इसका बेस मैं नेदर रैक से ही बनाऊंगा। बट प्रॉब्लम एक ही है कि नेदर रैक भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो मतलब अगर किसी ने हमला वगैरह कर दिया ना यहाँ पे, तो भाई वो हमारा सारा का सारा बेस तोड़ देगा। सो दैट्स व्हाई मुझे नेदर रैक थोड़ा सा पसंद नहीं है। एंड इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे बनाऊंगा, मतलब एक ब्लॉक ऐसे लगाते ऐसे, हाँ या ऐसे इसका स्ट्रक्चर में भी प्यारा लगेगा मेरे हिसाब से। या ये सही है, ऐसे बनाऊंगा। और अभी मुझे इसको अंदर से कवर करना पड़ेगा। एंड मैं इसको ना ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, मतलब छोटा से बनाऊंगा, लेकिन ये प्यारा लगना चाहिए। जैसा हमारा जो वो ट्री फार्म है, या जो हमारा जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं वो वाली जगह है ना, वो एक्चुअली वैसी प्यारी लगती है छोटी सी। एंड ये ख़त्म हो गया। ओके, अभी मेरे पास एक आखिरी स्टैक बचा है, और मे बी मुझे इसको बीच बीच में ये भी लगाना चाहिए इसके अंदर, ये बाकी के ब्लॉक्स में भी ब्लैक स्टोन वगैरह भी मुझे इसके बीच बीच में यूज़ करना चाहिए। नहीं यार, ब्लैक स्टोन अजीब लगेगा अगर मैं लगा के देखता हूँ। अगर मैं बीच बीच में ब्लैक स्टोन लगाऊंगा तो प्रोबेबली ये अच्छा, मतलब मैं बीच बीच में ना इसे ब्लैक स्टोन वगैरह में भी मैं लगाऊंगा। एंड इसका जो साइड होगा वो मैं पूरी तरीके से नेदर रैक से कवर करूंगा। हाँ, ये ऐसा में भी मतलब एक पूरा नेदर वाली फील यहाँ पे आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से ब्लैक स्टोन लगा दिए, बीच बीच में मुझे थोड़े से मैग्मा ब्लॉक्स भी मे भी लगाने चाहिए। हाँ, एंड सोल सैंड भी मेरे बीच में होनी चाहिए, तब ये एकदम प्रॉपर नेदर वाला बेस लगेगा। बस मुझे इसके ऊपर भाई खड़ा नहीं होना है, नहीं तो मेरे पैर जलने लगेंगे और पता चले कि भाई मैं खुद नीचे गिर गया। ये मतलब अपने ही हाथों से एक ट्रैप बना के मैं वहीं पर कैद हो गया, ऐसा हो जाएगा ये। हाँ, यहाँ पे थोड़े से ब्लैक स्टोन्स, एंड और कौन सा ब्लॉक है मेरे पास, हाँ थोड़ी सी मेरे पास सोल सैंड है, तो मुझे मैं भी यहाँ पे थोड़ी सी सोल सैंड भी लगानी चाहिए, ताकि एकदम प्रॉपर नेदर वाला फील आए, मतलब आए यहाँ पे। अगर मैं नेदर का कोई ट्री तोड़ता हूँ तो उसकी मुझे सैपलिंग नहीं मिलती है,
मतलब मैंने तो आज तक नेदर वाले ट्रिकी सैपलिंग देखी नहीं है, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई ऐसा होता भी या नहीं। एंड बीच बीच में ये मैग्मा ब्लॉक्स भी लगाओ और उसके साइड में थोड़े से ब्लैक स्टोन्स। हाँ अभी ये एकदम प्रॉपर लग रहा है भाई, प्रॉपर नेदर का बेस लगा है अभी तक तो मैंने नेदर पोर्टल बनाया भी नहीं है, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा तब ये बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ पे भी थोड़ी सी सोल सैंड एंड वी आर डन। एग्जैक्टली ये नेदर की तरह लग रहा है मेरे हिसाब से, या थोड़ा बहुत तो नेदर लग रहा है। एंड ये बीच में आई थिंक मुझे ऐसे ब्लॉक्स रखने चाहिए, अगर मैं ऐसे ब्लॉक्स रखूँगा ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ये बीच बीच में ग्राइंड स्टोन्स पर मुझे ये यहाँ पे ऐसे लगाने चाहिए। हाँ नाइस, इट लुक्स गुड देन। तो यहाँ एक काम करता हूँ, ये वाला ब्लैक स्टोन तोड़ के यहाँ पे ये ग्रीडेड ब्लैक स्टोन लगा दो। हाँ अभी आई थिंक ये थोड़ा सा तो नेदर जैसा लग रहा है, तो अभी बारी है यहाँ पे नेदर पोर्टल बनाने की, क्योंकि अभी मुझे नेदर में जाके वहाँ की थोड़ी सी चीज़ें लेकर आनी, मतलब वहाँ से थोड़े से हम रिसोर्सेज लेकर आएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे। तो नेदर पोर्टल बनाने के लिए मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। 1, 2 एंड ये हो गया कवर। एंड अभी ये नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट द पोर्टल एंड ओपी भाई, ये बहुत ओपी लग रहा है। हाँ अभी ये दिखने में एग्जैक्टली एक नेदर बेस की तरह लग रहा है, मतलब नेदर इन वन ब्लॉक। तो अभी एक काम करते हैं, अभी यहाँ से जल्दी से नेदर में चलते हैं एंड वहाँ से चीज़ें लेकर आते हैं। एंड फाइनली अभी मैं एक पूरी ज़मीन देख सकता हूँ माइनक्राफ्ट के वन ब्लॉक में पूरे 12-13 एपिसोड्स के बाद। एंड देखो ये हम नेदर में आ गए, एंड बस यहाँ पर वो गोल्ड वाले पिगलिंग नहीं होने चाहिए भाई, बहुत अच्छा लग रहा है पूरी ज़मीन देखकर सीरियसली। एंड अभी मुझे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर अपने वर्ल्ड में मतलब जाना है, ताकि मैं वहाँ पर अपना पूरा का पूरा एक नेदर वाला बेस ले मतलब बना सकूं। एंड मुझे यहाँ पर ना वो रेड वाला बायोम फाइंड करना है, बिकॉज मुझे वो रेड वाले ट्रीज की ज़रूरत है। कौन है भाई? अरे गोल्ड का कुछ पहना नहीं है, आई एम सॉरी मैं जा रहा। रुक जा भाई, अरे रुक जा यार, जा रहा हूँ मैं, सॉरी, प्लीज़ रुक जाइयो, जा रहा हूँ मैं गोल का कुछ पहन के आता हूँ। एक मे बी कोई पैंट वगैरह मेरे को पहननी पड़ेगी यार। मुझे यार वो रेड वाले बायोम के अंदर टेलीपोर्ट होना था, मतलब वहाँ पे वो ट्रीज़ मिलते हैं। अभी पता नहीं मुझे यहाँ पे रेड वाले ट्रीज़ कहाँ पे मिलेंगे, तो अभी जल्दी से यहाँ से थोड़ा सा गोल्ड लेके एक गोल्ड की मे बी पैंट बना लेता हूँ मैं। लास्ट टाइम तो मैंने आर्मर बना ही लिया था अपने लिए। हाँ गोल्ड के थोड़े से जूते बना लेते हैं, और अभी ये गोल्ड के जूते ये वाले उतर के मैंने ये वाले पहन लेता हूँ। हाँ एंड बाकी का जो गोल्ड है मुझे इसके अंदर संभाल के रखना है। हाँ आगे अभी तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ अभी इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम यहाँ पे अपने तरीके से काम कर सकते हैं। एंड पता नहीं यार मेरे को इन लोगों ने कहाँ पे स्पॉन करवा दिया, मतलब बहुत ही ऊंचाई वाली जगह है। एंड इस तरफ अगर मैं जाता तो यार भाई यहाँ पे सोल सैंड लगी है, इस पर इसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल होता है। ओ भाई ये बहुत बहुत बड़ी जगह है, मे बी यहाँ पे कोई फोर्ट्रेस वगैरह है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई फोर्ट्रेस हो सकता है, बट यार वो रेड वाला बायोम कहाँ पे मिलेगा मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मुझे ना आसपास मतलब ढूंढना ही पड़ेगा। नहीं यहाँ पर ये बोन मिल के ब्लॉक्स पड़े हैं जो कि काफ़ी सही, ये भी मतलब दिखने में नेदर वाला जो नेदर क्वार्ट्स वाला ब्लॉक होता है उसी की तरह लगता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पिगलिंग्स है, मे भी इधर कुछ हो सकता है। ओ भाई काफ़ी सारा लावा है, वैभव बहुत ध्यान से। एक सेकंड, दिख गया रेड वाला बायोम, दिख गया भाई 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 पास में ही है। तो अभी मुझे यहाँ से लकड़ी मिल जाएगी इजीली, बस वो यहाँ पे सांड नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई वो सांड बहुत ज़्यादा हरामी होता है। तो मेरे पास एक्स है, यहाँ से भी मैं चीज़ें उठाकर अपने साथ ले जा सकता हूँ। लेट्स गो। क्या मुझे ये वाला ट्री तोड़ने के बाद इसकी सैपलिंग मिलेगी यार? प्लीज़ सैपलिंग दे दो प्लीज़, क्योंकि अगर मैं इसकी सैपलिंग लगाऊंगा ना तो भाई बहुत अच्छी लगेगी वो दिखने में। क्या ये इसकी सैपलिंग है? नहीं ये तो मशरूम है ना। या ये वाला भाई फंगस है, रैप्ड फंगस टाइप की चीज़ है। ओ यहाँ पे श्रूम लाइट्स काफ़ी सारी है, गिव मी दैट बॉय। श्रूम लाइट भी मैं नेदर में थोड़ी सी लगाऊंगा, ताकि हमारा नेदर थोड़ा सा यू नो चमक सके। ये वाला ट्री यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब देखो यार ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे तीन चार पेड़ एक साथ उगाए गए हैं। तो यहाँ से मेरे को काफ़ी सारी वुड मिल जाएगी। एंड मेरे को वहाँ पर ना ये रेड वाला एक ही ट्री बनाना है, क्योंकि हमारा एकदम प्यारा सा छोटा सा वन ब्लॉक में नेदर वाला बेस होगा। मतलब यू नो नेदर वाली फील आएगी उसको देख के पूरी तरीके से। एंड मे बी अभी मेरे पास इनफ चीज़ें आ चुकी है, या 14 नेदर वॉट ब्लॉक्स आ गए ये वाले, एंड यही इसके लीव्स होते हैं मे बी, या यही वाले ना, हाँ यही वाले इसके लीव्स है। तो मैं इसी से वो वाला ट्री बनाऊंगा। एंड मेरे को थोड़ी सी ये भी चीज़ें चाहिए, क्रिम्सन इसका नाम जो भी है, ये भी मैं यहाँ से चीज़ें उठा के लेके चलता हूँ, ताकि मैं नेदर को थोड़ा सा और प्यारा बना सकूँ हमारे वन ब्लॉक में। हाँ इतनी चीज़ें आई थिंक इनफ है मेरे हिसाब से। तो मैंने सारी की सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली, और अभी यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि वो जो बोन मिल के जो ब्लॉक्स है ना, मुझे उनको भी अपने साथ लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बोन मिल का मतलब बोन मिल के ब्लॉक्स का एक स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ। तो यहाँ से चलते हैं एंड वो जो बोन मिल के ब्लॉक्स है ना, मैं उनको तोड़ता हूँ। एंड इनका तोड़ने का जो साउंड होता है ना टूटने का, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, दैट्स मुझे बहुत पसंद है। बस यहाँ पे कोई घास ना आ जाए, देखो
टुक टुक आवाज आती है इसको जब मैं तोड़ता हूँ। तो यहाँ से सारे के सारे बोन मिल के ब्लॉक्स उठा के लेके चलते हैं। मैंने तोड़ लिया, हो गया, सारे के सारे मैंने बोन मिल के ब्लॉक्स तोड़ लिए। मेरे पास टोटल 56 नहीं, ये कॉर्ड के ब्लॉक्स है या ये वाले बोन मिल के ब्लॉक्स है, तो 26 बोन मिल के ब्लॉक्स आ गए एंड लगभग मैंने सारा का सारा सामान ले लिया। सो लेट्स गो, अभी यहाँ से चलते अपने नेदर में एंड वहाँ पर जाकर अपने नेदर वाले वर्ल्ड को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं, मतलब वन ब्लॉक के नेदर वाले वर्ल्ड को। अंधेरा हो रहा है, यहाँ पे कोई स्पॉन तो नहीं हुआ ना अभी तक, तो कोई स्पॉन हुआ नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं जल्दी से सोने के लिए चलता हूँ, नहीं तो सुबह होने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब स्पॉन हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग गेमर्स। ओके, देखा जॉम्बी स्पॉन होना शुरू भी हो गए, मेरे को लगा ही था वहाँ पे जॉम्बी स्पॉन होंगे, दैट्स व्हाई मैं जल्दी सो गया था। एंड नेदर वाला बेस काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, देखो वो जॉम्बीज इधर ही आ रहे। एक काम करता हूँ, तलवार मेरे हाथ में, ये श्रूम लाइट यहाँ से निकाल के शील्ड अपने हाथ में रख दो। वो अभी यहाँ पे आने की कोशिश तो करेंगे लेकिन आ नहीं सकते। कहाँ पे जॉम्बीज मर गए, सारे के सारे जॉम्बीज मर गए, वहाँ पे एक विच भी स्पॉन हुई है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी विच स्पॉन हुई है तो मारना तो पड़ेगा उसको, सॉरी विच। आउच, ओ भाई मैं गिर जाता इसके चक्कर में नीचे, भाई ध्यान से वैभव गधे, बहुत ध्यान से। आउच भाई 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 भाई, मैं फिर से एक बार आ गया नेदर में, बिकॉज हमारा सारा का सारा नेदरैक खत्म हो चुका था एंड नेदर आइलैंड को कंप्लीट करने के लिए मुझे थोड़े से नेदरैक की ज़रूरत थी, दैट्स व्हाई मैं फिर से एक बार नेदर में आ गया उसको लेने के लिए। मैं भी मुझे 30-40 की ही ज़रूरत होगी, ज़्यादा की वैसे ज़रूरत है नहीं, तो मैं उतना ही लेके जाऊँगा। अगर बाद में कम पड़ गया तो मैं बाद में यहाँ पे आकर ले सकता हूँ। पूरा का पूरा भाई अपना ही नेदर का वर्ल्ड है। तो यहाँ से ये आ गया, कितना आ गया, 64 भाई, इतनी जल्दी, वेरी नाइस। 64 का पूरा स्टैक हो गया, इतना बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने में हमारा आइलैंड का काम हो जाएगा, वन ब्लॉक के नेदर आइलैंड का काम। बस यहाँ पे रात ना हो, क्योंकि रात होते भाई बहुत सारे मॉब स्पॉन हो जाते हैं, ये यहाँ पे मकड़ी बहुत देर से घूम रहा है। सो अभी मुझे इसको कवर करना है ऐसे, मे बी इतना ही बड़ा बनाना चाहिए, मुझे ये यहाँ तक आ रहा है, तो मुझे एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। एक लेयर मुझे आई थिंक और बनाना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ मैं एक लेयर और यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आइलैंड थोड़ा सा और बड़ा लग सके, थोड़ा सा जॉइंट। हाँ अभी आई गेस ये इनफ है। और यहाँ पे मेरे पास जो बोन मिल के ब्लॉक्स है ना, मुझे उनका भी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, जैसा कि नेदर में स्ट्रक्चर था, तो वो वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाने की सोच रहा हूँ। पता नहीं यार वो स्ट्रक्चर कैसे होता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बनाने की सोच रहा हूँ, मतलब मैंने वो ठीक से देखा ही नहीं है वो कैसे होता है। तो ये मे भी ऐसे ऊपर होता है ना, ये यहाँ ऐसे, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये वाला मुझे ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगा के ये ऐसे बीच में होता है जहाँ तक मुझे पता है, हाँ ये ऐसे होता है, राइट राइट राइट। तो ये वाला ब्लॉक यहाँ से मैं हटा देता हूँ। हाँ ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है। आउच, अरे लग रहा है यार, लग रहा है, लग रहा है। एक सेकंड में एक काम करता हूँ यार, मैं ठीक से देखता हूँ कि वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि दूसरी तरफ मैंने एक स्ट्रक्चर देखा था, मुझे एग्जैक्टली उसी की तरह बनाना है। तो वो वाला स्ट्रक्चर, आउच लगा भाई, आउच, अरे मकड़ी, अरे यार इसकी ऐसी की तैसी नेदर में आ गई, दैट्स मेरे ऊपर अटैक कर रही है नूबड़ी कहीं के, निकल इधर से, निकल ले पागल मकड़ी। हाँ तो अगर मैं वहाँ पे देखूँ तो वहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है, तो ऐसे ब्लॉक्स ऊपर है एंड एक ब्लॉक इससे बीच में, एग्जैक्टली मैंने सेम बनाया भाई, मतलब वैसे ही मैंने वहाँ पे बनाया था, तो या वैसा एकदम सही है। मतलब एक बार मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आया था कि भाई मैं सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में सही बना रहा हूँ इसको, ये ऐसे होता है एंड ये छोटा और बड़ा होता है, तो ये बड़ा बन गया एंड यहाँ पर मैं देन छोटा बना देता हूँ मैं। अरे मुझे बोन मिल के ब्लॉक्स का यूज़ कर रहा है ये, क्या मैंने क्या यूज़ करा है ये, अरे ये मैंने नेदर क्वार्ट्स का यूज़ करा है मे बी, ये क्या है, नेदर कॉर्ड्स लगाए मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे भाई बोन मील लगाना है, मैंने गलती से नेदर कॉर्ड्स वाले ब्लॉक लगा दिए, क्योंकि बोन मील का ही वो स्ट्रक्चर होता है। तो ये रहे बोन मील, और बोन मील से भी मैं ये चीज़ बना सकता हूँ जो कि दिखने में बहुत प्यारी है। 1 2 3 एंड इसके ऊपर जाकर मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है ऐसे एंड ये बीच में इसको कवर करना है, 1 2 एंड ये 3, परफेक्ट, फाइनली एक स्ट्रक्चर पूरा हो गया। एंड इसके सामने मैं एक छोटा सा बनाऊंगा, मतलब ये 3 ब्लॉक है तो ये वाला 2 ब्लॉक का रहेगा, 1 2 यहाँ पे भी, 1 2 एंड यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे लगा के ये ऐसे 3, 1 2 एंड 3, परफेक्ट, मैंने एग्जैक्टली सेम यहाँ पे छोटा बोन का स्ट्रक्चर बना दिया है, जो कि दिखने में सही लग रहा है मे बी, हाँ सही लग रहा है। बस ये नेदर वाला बेस में भी थोड़ा सा छोटा हो गया, मुझे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं यार, ये छोटा ही अच्छा लगेगा, मतलब जितनी चीज़ें छोटी होती है ना वो उतनी अच्छी लगती है। एंड अभी बारी है ट्रीज़ को बनाने की, तो ये वाला ट्री मुझे मे बी यहाँ पे बनाना चाहिए इस जगह पे, हाँ यहाँ पे ये वाला मैं ट्री बनाऊंगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ये लगाने थे, 1 2 3 4, 4 तक इसकी हाइट में भी इनफ है। एंड अभी ये वाले ब्लॉक्स मुझे इसके बाजू में यूज़ करने हैं, जस्ट लाइक दिस। अभी अंधेरा हो रहा है तो मुझे यार सोने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे मॉब स्पॉन हो जाते हैं। क्या मैं यहाँ से वहाँ पर जंप नहीं कर सकता मैं भाई, वैभव खामखा रिस्क मत ले, नहीं तो खामखा मर जाएगा। एंड गाइस देखो हमारा नेदर का बेस, आई मीन नेदर वर्ल्ड कितना प्यारा लग रहा है, नेदर आइलैंड हमारा प्राइवेट नेदर आइलैंड। और अभी हम यहाँ पे अपना एक ट्री बना रहे हैं, प्राइवेट ट्री,
नेदर वाला प्राइवेट ट्री, बट ये दिखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, मुझे इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तब जाके ये प्रॉपर लगेगा भाई। बहुत ध्यान से वैभव, एक लेयर और लगाना है, हाँ, एंड यहाँ से भी, इस तरफ से भी एक लेयर रहेगा ऐसे, एंड अभी अंदर का भी एक लेयर मेरे हिसाब से मुझे लगाना चाहिए। हाँ यार, ये इतनी जल्दी ख़त्म हो गया यार, मुझे इसके थोड़े से और ब्लॉक्स चाहिए, मे भी मेरे घर के अंदर थोड़े से पड़े तो मुझे ना उनको लेकर आना पड़ेगा। एंड देखो लगभग ये ख़त्म हो गया भाई, 7 बजे बस आखिरी के, कैसा लग रहा है ये? एक सेकेंड, ऐसा ही होता है ट्री वो, मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से, मे भी ऐसा नहीं होता। एंड मुझे बीच में ये स्ट्रूम लाइट्स भी लगाने, क्योंकि ये वाले ट्री में स्ट्रूम लाइट्स भी होती है, मैंने जहाँ तक देखा है ये ट्री को, तो यहाँ पे स्ट्रूम लाइट्स थोड़ी सी, एंड मेरे पास थोड़ी सी ये वाइंस भी है, तो मैं उनको भी यहाँ पे ऐसे, ऐसे यहाँ पे, ये ऐसे परफेक्ट ऐसे यहाँ पे मैं इनको लगा दूंगा, ताकि एकदम प्रॉपर नेदर वाली फील आई यहाँ पे इसको देख के। आउच भाई, ये बहुत लगता है ये बीच में, हाँ ये यहाँ से थोड़ा परफेक्ट। अभी ये ट्री तो लग रहा है, बस मुझे थोड़ा सा ना और ये वाले ब्लॉक्स इसके भी मुझे ऊपर भी लगाने, तो एक काम करते हैं यहाँ से मैं नेदरैक लगा के ऊपर चलता हूँ, एंड मुझे ऊपर भी ये वाले ब्लॉक्स लगाने, इसको मतलब इस ट्री को ऊपर से बेसिक कवर तो करना पड़ेगा ना, तो ऐसे कवर करना पड़ेगा, लेकिन उतने मेरे पास इनफ वो उसके लीव्स नहीं है, उसको जो भी बोलेंगे हम, तो मैं भी घर के अंदर थोड़े से पड़े तो मैं वहाँ से ना लेके वो चीज़ जल्दी से बना देता हूँ। प्लीज़ से दैट कि वो मेरे पास है, अगर नहीं हुए तो फिर से एक बार नेदर में जाओ और उनको लेकर आओ। यार मेरे पास थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यार, वो रेड कलर का मेरे पास कुछ तो था, क्योंकि वन ब्लॉक से माइनिंग करके मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली थी। नहीं है, बहुत सही नहीं है, कोई बात नहीं, फिर से एक बार चलते हैं नेदर में, वहाँ से लेकर आते हैं। वो सांड आ गया, औ औ ओ भाई, मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, आई एम सॉरी, मैं भाग रहा हूँ, एक सेकंड। ओ भाई भाई, मैंने आई थिंक उसको गलती से मारा था, तो दैट्स आप ही नूबड़े यहाँ पे, वो आ सकता है क्या यहाँ पे? वो आ रहा है भाई, भाग ले, निकल नूबड़े कहीं के, मार रहा है मेरे को, मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं है फिर भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। ओ भाई मर गया वो, वेरी नाइस, और मेरे पास इनफ चीज़ें आ गई, आई थिंक अभी इतने में वो ट्री कंप्लीट हो जाएगा। एंड मुझे यार थोड़ी सी लावा की भी ज़रूरत है, मुझे फिर से एक बार आकर लावा बकेट भी, मतलब जैसे मैंने पानी छोड़ा है ना वहाँ पर ऐसे नीचे, तो वैसे लावा भी छोड़ना पड़ेगा। तो या फिर से एक बार मैं आ गया, और मैं भी इस बार इतने में हमारा काम हो जाना चाहिए, 1 2 3 एंड हो गया यार, बस इतने की ही ज़रूरत थी मुझे। सो गाइस, फाइनली हमारा ये वाला ट्री कंप्लीट हो चुका है, ये वाला ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अभी मुझे यहाँ पे और क्या लगाना था, ये क्राइंग ऑब्सीडियन भी मुझे कहीं पे लगाना था, तो एक काम करता हूँ मैं, क्राइंग ऑब्सीडियन हमारे नेदर पोर्टल के यहाँ पे लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसे, हाँ यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और मेरे पास और क्या क्या नेदर की चीज़ें मुझे इनको यहाँ पे लगाना था, मे बी ये बेसाल्ट का एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूँ मैं, मतलब ऐसे मतलब अजीब सा रैंडम जो भी होता है ना, वो मैं यहाँ पे ऐसे बना दूंगा, क्योंकि बेसाल्ट वाला बायोम ऐसा ही होता है, ऐसे अजीब से वहाँ पे पिलर्स बने होते हैं, मतलब बने हुए होते हैं, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बनवा देता हूँ। वैसे बेसाल्ट भी मेरे पास काफ़ी सारा पड़ा है, एंड वे वैसे पड़े पड़े मतलब खराब ही हो रहा है, सो दैट्स व्हाई हमारा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, एंड मे बी ये अच्छा लगेगा। हाँ देखो, यहाँ पे एक बेसाल्ट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया। आउच, अभी प्रॉपर नेदर वाली फील आ रही है, थोड़ा सा मैग्मा ब्लॉक है, बट मैग्मा ब्लॉक की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इससे बनेंगे फेंसेस, 64 का एक स्टैक बन गया, और यहाँ पर मेरे पास और थोड़ा सा है, इससे और बनेंगे, वेरी नाइस, और स्टिक्स खत्म हो गई, 64 के लगभग हाफ स्टैक आ गया। मे भी इतने में फेंसेस का काम मे भी हो जाएगा, मतलब ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर कम पड़ गया तो मैं बाद में बना लूँगा। एंड मे भी यार मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी ब्रिक्स, मतलब रास्ता थोड़ा सा मुझे इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वहाँ पे दूसरी तरफ जाने के लिए जगह ही नहीं है। एंड हो गया, रास्ता मैंने बड़ा बनवा दिया, और अभी ये वाले फेंसेस यहाँ पे लगेंगे। हाँ देखो, ये गुलाबी फेंसेस दिखने में कितने सही लग रहे हैं, एंड मे भी ये मुझे कम पड़ने वाले हैं, मुझे थोड़े से और बनाकर लेकर ही आने पड़ेंगे। हाँ देखो गाइज, अभी एकदम प्रॉपर नेदर का बेस लग रहा है, मे भी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता भाई इसने मतलब इतने फेंसेस में हो ही जाएगा अपना काम। तो यहाँ पर मुझे ऐसे इनको लगाना है चारों तरफ इसके, ताकि भाई यहाँ से कोई नीचे ना गिरे, एंड वैसे भी अंधेरा हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ना मुझे लावा बकेट्स भी डालनी चाहिए, मतलब ऐसे नीचे, मतलब क्यों नो, नेदर में तो सारा का सारा लावा ही होता है, तो प्रोबेबली भाई मुझे अगर एक नेदर का आइलैंड बनाना है तो वहाँ पर तो लावा भाई होना ही चाहिए, मतलब वो बेसिक रिक्वायरमेंट है नेदर बेस बनाने की। और ये बोन मिल को यहाँ से ऐसे भाई, 1 2 3 प्लीज़, 2019 फेंसेस बाकी है, 12 फेंसेस बचे बस, आखिरी के 12 फेंसेस प्लीज़ यार होने चाहिए इसमें, 1 2 12 फेंसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाई परफेक्ट, मैंने एग्जैक्टली उतने ही फेंसेस बनाए थे, वो
भाई उतने में ही काम हो गया है। देखो गाइज हमारा सारा का सारा मतलब पूरा का पूरा नेदर बेस तैयार हो चुका है। एंड गाइज यार ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको हमारा नेदर वाला बेस कैसा लगा। और ये लावा हो जाएगा कलेक्ट, या मैंने कलेक्ट कर दिया, लेट्स गो। और अभी जल्दी से चल के अपने नेदर वर्ल्ड के अंदर नेदर आइलैंड के अंदर लावा में डाल देता हूँ। वैसे यहाँ पर भी एक बकेट थी, मे बी लावा बकेट मुझे यहाँ पर लगानी चाहिए ऐसे। अगर मैं ऐसे यहाँ पे लावा बकेट लगाऊंगा तो क्या लावा फ्लो होगा? यस, और ये लावा में भी नीचे से मुझे दिखेगा। अगर मैं इसको दूर से देखूंगा ना तो वो पूरे की तरीके से नीचे चला जाएगा, राइट? यस, देखो लावा नीचे फ्लो हो रहा है, मुझे यही चाहिए था। एंड वैसे मैं ऊपर से भी फ्लो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऊपर से फ्लो कर दिया ना तो ये सारे के सारे फेंसेज जल जाएंगे, और वो चीज़ मैं अभी तो नहीं चाहता। वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस अगर आपके पास कोई नई आइडियाज हो ना मुझे इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट वगैरह करनी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, वो भी मैं अप्लाई कर दूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।